इंडिया को 6 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। बीसीसीआई ने हाल ही में इस दौरे के लिए 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड का ऐलान किया था, जिसमें शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी गई थी। वहीं वीवीएल लक्ष्मण को टीम का कोच बनाया गया था। मंगलवार को बीसीसीआई ने जानकारी दी कि इस दौरे के लिए लक्ष्मण के साथ टीम रवाना हो चुकी है। हालांकि इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि स्क्वाड के केवल 10 खिलाड़ियों के साथ ही भारतीय टीम रवाना हुई है। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के कोच वीवीएस लक्ष्मण केवल 10 खिलाड़ियों के साथ ही निकले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और बाकी खिलाड़ी कहां रह गए। दरअसल इस दौरे के लिए ऐलान किए 15 में से 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज गए हुए थे। फाइनल मुकाबले के बाद से ही फिलहाल ये सभी खिलाड़ी तूफान के कारण बारबाडोस में ही फंसे हुए हैं। नीतीश रेड्डी की रिप्लेसमेंट के तौर पर आए शिवम दुबे तो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का भी हिस्सा थे। उनके अलावा संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रिजर्व में शामिल रिंकू सिंह और खलील अहमद भी वेस्टइंडीज में है। हरिकेन बैरिल के कारण सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए थे, इसलिए उन्हें वहीं रुकना पड़ा। तूफान के कारण किसी भी खिलाड़ी को होटल से निकलने की इजाजत नहीं थी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज जैसे सभी खिलाड़ी बुधवार तक भारत लौट सकते हैं। बीसीसीआई की सबसे बड़ी कोशिश है कि वह बारबाडोस में फंसे सभी खिलाड़ियों को वहां से निकाले। इसके लिए स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम कर दिया गया है, जो उन्हें 3 जुलाई तक दिल्ली लेकर आएगी। हालांकि बीसीसीआई ने अभी ये साफ नहीं किया है कि जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाले 5 खिलाड़ी पहले दिल्ली आएंगे या बारबाडोस से ही सीधे जिम्बाब्वे के लिए रवाना होंगे। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मुकाबला उनका 6 जुलाई को है। ऐसे में अभी उनके पास बीच में 2 दिनों का मौका होगा। हमारी तो इस पर से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी खिलाड़ी अपने वतन भारत लौट सके और जो 5 खिलाड़ी है वे जल्दी से जिम्बाब्वे की टूर पर निकल पड़े। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।